हाय एवरीवन, वेलकम टू ए फॉर ऑटिज्म। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा नाम है ईना और मेरा एक छोटा सा क्यूट सा बेटा है जिसका नाम विराज है, उसे ऑटिज्म है। तो अगर आप हमारी स्टोरी, हमारी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इंटायर स्टोरी चेक करना चाहते हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके हमारे वीलॉग्स और जो भी नॉलेज शेयरिंग एज अ पेरेंट मैंने लर्न करी है आफ्टर डायग्नोसिस और अप्लाई करी और जिससे चेंजेस आए हैं, तो ये चैनल सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है और पेरेंट्स की मदद करने की इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, साथ ही साथ विराज की मदद करने की भी, तो और आपसे हेल्प पाने की भी, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके वैल्यूएबल इनपुट्स जो हैं वो अप्लाई करने से भी मुझे बहुत बहुत हेल्प मिलती है, विराज को बहुत हेल्प मिलती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्वेटिक थेरेपी के बारे में। सो आपने बहुत सारी थेरेपीज़ के बारे में सुना होगा, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लेकिन एक ऐसी थेरेपी है जो बहुत बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो इजीली अवेलेबल थेरेपी नहीं है, जिसका नाम है एक्वेटिक थेरेपी। तो बहुत सारी जो है मसल प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए, इनफैक्ट वेट लॉस में या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ये मिलेगा कि वाटर थेरेपी जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली वॉर्म वाटर। तो वाटर थेरेपी बेसिकली ये है कि हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं बच्चों की बॉडी की जो लैंग्वेज है उसे इम्प्रूव करने में, बॉडी अवेयरनेस क्रिएट करने में, और जो मेन काम हम कर रहे हैं वाटर थेरेपी के थ्रू वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की जो फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं और जो उनकी इंटरेक्शन है या उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, यानी कैसे हमें जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है और अपना दिमाग यूज़ करना है, ब्रेन कोऑर्डिनेशन करना है, तो वो जो है एक्वेटिक थेरेपी के थ्रू पॉसिबल है। सारे ऐसे कमेंट्स पढ़ रही थी जिसमें बहुत सारी मम्माज लिखती हैं कि मेरे बेटे को जहाँ पर भी पानी दिख जाए वो जो है पानी के साथ खेलना बहुत पसंद करता है, चाहे वो आउटडोर्स हो, इंडोर हो, इनफैक्ट घर पे भी वॉशरूम के अंदर पानी से खेलना बहुत पसंद है। तो मैंने कुछ लोगों को तो ये सजेस्ट किया था कि आप वाटर वाले टॉयज़ ले आइए, तो आप वाटर के थ्रू जो है वो टॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं। कुछ बोट्स आती हैं जो वाटर में फ्लोट करती हैं, छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स आते हैं, लोग घर पर यूज़ कर सकते हैं। बट मेन पर्पस एक्वेटिक थेरेपी का ये होता है कि एक ह्यूज एनवायरनमेंट में बच्चे को जो है बॉडी अवेयरनेस सिखाई जाए, डेंजर अवेयरनेस सिखाई जाए और उसकी मसल्स और उसकी बॉडी की जो रेगुलेशन है, जो ब्लड फ्लो है, उसे अच्छा किया जाए। क्योंकि जो स्विमिंग होती है ना, स्विमिंग या वाटर के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज़, उसमें क्या होता है आपका जो बॉडी वेट है वो 90% तक रिड्यूस हो जाता है। बच्चे वैसे ही बहुत हल्के फुल्के होते हैं, लाइट बोन के होते हैं, तो उनका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है 90% तक, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ परसेंटेज शेयर नहीं कर रही हूँ, 90% तक बॉडी वेट जो है रिड्यूस हो जाता है वाटर के अंदर बच्चों का, और इसी वजह से क्या है बच्चों को इजी लगता है वाटर के अंदर जो है चलना या फिर वाटर के अंदर अपना बैलेंस बनाना या वाटर के अंदर एफर्ट करने में उन्हें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती जितनी रेगुलरली अगर आप आउटडोर्स पार्क में ले जा रहे हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू जो वो जिम करवाते हैं, जिम बॉल में या स्लाइड्स चढ़वाते हैं, उतरवाते हैं, उससे कम एफर्ट लगता है, तो बच्चे जो है ज़्यादा विलिंगली उस चीज़ को करते हैं। ऑटिज़म में क्या है, बच्चों को बहुत चीज़ों के साथ ना फिक्सेशन होती है, तो अगर आपके बच्चों को वाटर के साथ फिक्सेशन है तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। विराज को पानी बहुत पसंद है, विराज को नहाना बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने वाटर टॉयज़ के साथ बहुत खेला है विराज के साथ। तो कल हमारा जो है फर्स्ट अटैम्प्ट था स्विमिंग, हम पूल जब ओपन हो गए हैं तो हमारी सोसाइटी में ही पूल था तो हम वहाँ लेके गए थे। तो अगर आप स्विमिंग अटेम्प्ट करना चाहते हैं अपने बच्चे के साथ, तो पहली चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप तभी करिए जब आप बहुत इंटेंसिव जो है विजिलेंस रख सकते हैं। दैट मींस आपने स्पेशल इंस्ट्रक्टर हायर करा, इंडिविजुअल स्पेशल इंस्ट्रक्टर, ऐसा नहीं कि वो ग्रुप ऑफ बच्चों को सिखा रहे हैं, 1-to-1 होना चाहिए। दैट मींस आपके बेबी के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर अकेला हो, क्योंकि एक्चुअली ऑटिज़म में क्या है, अगर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या उसका ध्यान नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, बिकॉज वाटर जो है वो उस हिसाब से बच्चों को नहीं समझ आएगा, स्लिप हो गया कुछ भी। तो बहुत विजिलेंट रहिए, सबसे पहले कोशिश करिए अगर आप में से, आपको या आपके हस्बैंड में से किसी को भी आती है स्विमिंग या वाटर अवेयरनेस प्रॉपर है कि जो संभाल सकते हैं, तो कोशिश करिए कि आप जो है उनको बोलिए कि वो एज अ गाइड या वो एज अ इंस्ट्रक्टर आपके बच्चे के लिए काम करें, तो वो जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो मेरे केस में मुझे नहीं आती है, बट विक्रांत को स्विमिंग आती है, विक्रांत को बहुत अच्छे से वाटर में जो है हैंडल करना आता है,
और इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि विक्रांत ही विराज को जो है स्विमिंग सिखाएंगे एंड हम उसे वाटर में ले जाके ट्राई करते हैं कि वो कैसा रिएक्ट करता है। तो टू आर सरप्राइज एक्चुअली विराज जो है वाटर के अंदर बहुत स्टेबल हो गया, बहुत खुश। तो सबसे अच्छी चीज़ एक्वाटिक थेरेपी के अंदर एक तो यही है कि आपकी बॉडी रेगुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है, ब्लड फ्लो इतना अच्छा हो जाता है कि आपके माइंड में जो है ऑक्सीजन का इनटेक बहुत बढ़ जाता है, और ऑटिज्म में ऑक्सीजन की कमी ही होती है ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से जो है ब्रेन उतना बढ़िया फंक्शन नहीं कर पाता। तो वाटर के अंदर जब आप जाते हो तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो इतना अच्छा होता है कि आपका जो बॉडी का पूरा ब्लड है वो अपसाइड जाता है एंड आपके ब्रेन में जो है अच्छी ब्लड फ्लो, अच्छी ऑक्सीजन कैरी आउट करता है। कॉग्निटिव एबिलिटी ऐसे बढ़ाएगा कि कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब होता है बच्चे का थिंकिंग पैटर्न। अगर बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है और बच्चा खुश है तो वो कोशिश करेगा आपसे इंटरेक्ट करने की, कोशिश करेगा वो आपके साथ आपको कॉपी करने की या फॉलो करने की, और बच्चों को शायद फॉलो करे। तो ट्रस्ट मी, जब कल हमने विराज को स्विमिंग पूल में जो है उतारा तो हमें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज अ पेरेंट। हम बहुत डरे हुए थे, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन वो बहुत आराम से उतर गया। उसने ये शायद अंदाज़ा लगाया मेरे हिसाब से कि वो वाटर पूल जो है वो बच्चों के लिए था, अगर बच्चे खड़े हैं तो मैं भी खड़ा हो सकता हूँ। दूसरे वाले पूल में वो जाना चाहता था बट हमने उसे मना किया है, तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी है जहाँ पर मैं उसको शाउट करके बोल रही हूँ कि विराज नो, तो उसे वो अवेयरनेस समझ आई कि वहाँ पर जो है डेंजर है तो मुझे वहाँ नहीं जाना। वो वहाँ तब तक नहीं गया जब तक वहाँ पर विक्रांत नहीं गए, अगर विक्रांत वहाँ नहीं थे तो वो नहीं गया, और हमने उसको जो है लगातार 2 बार मना किया, उसके बाद वो समझ गया कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, अनटिल एंड अनलेस कोई है नहीं वहाँ पर, क्योंकि वो बीच है तो वहाँ नहीं जाना। तो ये एक सबसे अच्छा साइन है जो कि विराज ने कल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर दिया, और क्योंकि ऐसा हुआ क्योंकि कंसंट्रेशन जो है बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ बच्चों को पसंद होती है ऑटिज्म में वहाँ पे उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस, उनकी हियरिंग, उनकी लिसनिंग, कमांड फॉलोइंग बहुत बहुत अच्छी होती है। तो एक्वाटिक थेरेपी का मेन जो पर्पस है वो यही है कि आपका बच्चा जो है आपसे इंटरेक्ट करे, आपको कॉपी करे, आपकी जेस्चर इमिटेशन स्विमिंग को लेकर फॉलो करे, क्योंकि वहाँ पर उसका फोकस, उसका अटेंशन, उसका कॉग्निटिव एबिलिटी वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप स्विमिंग क्लासेस लेना चाहते हैं बच्चे के लिए, अगर आपको लगता है कि वाटर फिक्सेशन है, नहीं भी है तो भी एक बार आपको ये अटेम्प्ट ज़रूर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल भी श्योर नहीं थे। हमने कल फर्स्ट अटेम्प्ट किया एंड हमने नोटिस किया कि विराज ने कभी टीवी में कोई ऐसा वीडियो देखा होगा जहाँ पर एक्चुअली बच्चों को डिप करवाया जाता है, नोज जो है एयर रोक कर एंड डिप करवाया जाता है ताकि बच्चा जो है वाटर के अंदर ब्रीद या अपनी सांस रोककर उतनी देर जो है स्टेबल हो। एंड विराज कल वो अपने आप ही प्रैक्टिस कर रहा था, हमने उसे वो चीज़ नहीं सिखाई थी। और इनफैक्ट विक्रांत ने उसको 2 बार ये बताया कि आपको जो है पैर अपने जो है स्प्लैश करके चलाने हैं, अपने हैंड्स चलाने हैं। विराज ने वो दोनों ही चीज़ें जो है फर्स्ट टाइम में ही कॉपी करी, अदरवाइज़ हमें उसे कोई चीज़ अगर बतानी है तो हमें टाइम लगता है, बट यहाँ पर हम उसे विजुअल स्टिमुलेशन उतना नहीं दे रहे थे, हम सिर्फ बोल रहे थे एंड उसने वो चीज़ करी। बस हमने थोड़ा सा हाथ से एक बार प्रॉम्प्ट किया था एंड सेकेंड बाद में उसने खुद किया। तो ये जो चीज़ है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर आपको ये समझ आएगा कि बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है। एंड हु नोज़, हमारे बच्चे जो है अच्छी स्विमिंग करें, अच्छे स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लें और स्विमर्स बन जाएँ बहुत अच्छे वेल नोन। तो हमेशा अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़रूर ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। मैंने बहुत लेट किया है लेकिन मैंने अपने आसपास के ऑटिज़म पेरेंट्स से ये इंस्पिरेशन ली है कि एक अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए और एक नई चीज़ ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपका बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है या उसका और कहीं फोकस और कहीं कंसंट्रेशन उतना बेटर नहीं है, यू नेवर नो कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है या स्केटिंग है या साइकिलिंग है, स्विमिंग है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो। तो मैंने साथ साथ वीडियो क्लिप्स तो ऐड करे ही ताकि आप देखिए, कल शॉर्ट वीडियो भी डाला था एक। तो एक्वेटिक थेरेपी जो है उसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, हमने स्विमिंग का ही यूज़ किया, हमने बेसिकली वाटर का ही यूज़ किया। अगर आप जाएंगे गूगल पे चेक करेंगे तो एक्वेटिक थेरेपी में क्या है, मैट्स भी यूज़ होते हैं। तो फ्लोटिंग मैट्स होते हैं, उस पर बच्चे को खड़ा करते हैं एंड बच्चा जो है अपना बैलेंस बनाता है, क्योंकि मैट जो है वॉबल करता है लेकिन बच्चे को स्ट्रेट खड़ा होना ताकि वो गिरे नहीं। एक हमने एक्वेटिक थेरेपी का और भी पार्ट किया था जिसमें हमने विराज को स्ट्रेट लिटाया हुआ है विक्रांत ने एंड विक्रांत जो है उसको लेकर राउंड राउंड घूम रहे हैं। तो उसमें क्या है, बच्चा अपना बैलेंस बनाता है, काम रहता है। अगर बच्चा ज़्यादा हिल रहा है, हेड हिलाएगा, वॉबल करेगा तो बच्चा बैलेंस नहीं बना पा रहा है एंड बच्चा जो है
अफ्लोट नहीं होगा बच्चा, जो है सीधा हो जाएगा या फिर आपको पकड़ना पड़ेगा। बट विराज के केस में हम जब उसको बता रहे थे ये चीज़, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था तो उसने अपनी बॉडी को इस तरह से इस पोस्चर में कर लिया कि वो इजीली फ्लोट कर रहा था। विक्रांत ने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत हल्का सपोर्ट दे रखा था विराज को और वो अपने आप ही फ्लोट कर रहा था। सिर्फ सपोर्ट इसलिए था कि विजिलेंट हम रहें और हम कोई ऐसा चांस ना करें। लाइफ जैकेट हमने नहीं ली थी, एक बहुत बड़ा रीज़न यही था कि विक्रांत थे पानी में एंड पानी जो है 4 फिट का ही था, तो हमने ये चीज़ सबसे पहले देख ली थी कि वाटर जो है वो कितने फिट है। तो बच्चों के पूल में इट वॉज 2 फिट एंड जो बड़ों का पूल था वो 4 फिट था, तो उतना रिस्क नहीं था। लाइफ गार्ड्स जो थे वहाँ पे खड़े हुए थे और विक्रांत थे, तो मैं वैसे भी बहुत निश्चिंत थी। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर आप कर सकें, अगर एज अ पेरेंट आपको स्विमिंग आती है तो प्लीज़ टेक अ स्टेप, लेकिन जाइए धोके उसमें ही, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप पूल में हैं अपने बच्चे के साथ तो आपका शायद उस चीज़ पर ध्यान ना जा रहा हो जो आपको दूसरा पर्सन सामने से देख रहा है उस पर जाए। तो दो के ग्रुप में ज़रूर जाइए एंड बच्चे को लेकर जाइए और एक बार मेरे कहने से ये ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि मेरा कल का एक्सपीरियंस अमेजिंग था, विराज का कल का एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा था। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं एक्वेटिक थेरेपी करने के लिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी एक वीडियो का, तो वो आप देख सकते हैं, वैसी कुछ चीज़ें आप खरीद सकते हैं। तो वो वाली चीज़ें जो आप खरीदेंगे अगर, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। वाटर टॉयज़ लेकर जा सकते हैं स्विमिंग पूल में। आर्स ऐसे ही चूज़ करिए जहाँ पर ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है क्राउड में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, तो ऐसा कोई आर चूज़ करिए जहाँ कम क्राउड हो, बच्चे हों, क्योंकि कई बार बच्चा जो है बच्चे को देख कर कॉपी करता है। वही चीज़ जो है हमें डेवलप करवानी है कि बच्चा दूसरे बच्चे को देख के चीज़ें कॉपी करे। कल विराज ने थोड़ा थोड़ा दूसरे बच्चों को देख कर कॉपी भी किया। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा क्राउड में इजी रहता है तो क्राउडेड में ले जाइए, अगर आपको लगता है नहीं रहता तो कम क्राउड एंड जहाँ लाउड म्यूज़िक ना हो वहाँ उस टाइम पर आप ले जाइए, ऐसा कोई स्लॉट फाइंड आउट करिए। अगर आप इंडिया में नहीं हैं, अगर आप बाहर से मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो आप अपने आस पास एक्वेटिक थेरेपी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडिया में उतना ज़्यादा ये जो है मैं क्या बोलूँ कि इंडिया में उतना ज़्यादा एक्वेटिक थेरेपी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि स्पीच और ऑक्यूपेशनल थेरेपी को बहुत ज़्यादा जो है पुश दिया जाता है कि यही दो थेरेपीज़ होती है ऑटिज़म को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि एवरी सिंगल थिंग, इवन ऑयल मसाज इज़ अ थेरेपी, एवरी सिंगल थिंग इज़ अ थेरेपी, क्योंकि आप बच्चे को कोई भी चीज़ अगर सिखाते हैं उसके इन्वायरमेंट से उसको लर्न करने के लिए, उसकी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ थेरेपी। आई नो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं ये चीज़ कैसे बोल रही हूँ, बट दिस इज़ प्योरली माई एक्सपीरियंस, सो प्लीज़ डू नॉट थिंक दैट आई एम अ डॉक्टर और मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ। डू योर रिसर्च, बट एक्चुअली जो मैंने सीखा है या जो बहुत सारे और पेरेंट्स भी कॉमेंट्स में लिखेंगे या लिखते आए हैं कि जो मेन गोल, मेन एम है वो है बच्चे को सिखाना। तो वो कौन सिखा रहा है, कैसे सिखा रहा है, वो डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा सिखाते हैं तो आप अपने बच्चे के थेरेपिस्ट हैं, अगर थेरेपिस्ट अच्छा सिखा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट एक पर्टिकुलर थेरेपिस्ट जो है वो चीज़ नहीं कर सकते, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हमने कल जो है पर्सनल इंस्ट्रक्टर नहीं, हमने किसी से बात करी, हमने खुद ही सोचा कि हम खुद ही विजिलेंट रहेंगे, खुद ही लेकर जाते, क्योंकि विराज का जो रेपो बिल्डिंग, जो कंफर्ट हमारे साथ है वो दूसरों के साथ उतना जल्दी नहीं बन पाएगा एंड मे बी उस वजह से वो अपना इंटरेस्ट ना लूज़ कर दे। तो लेट्स टेक अ चांस, लेट्स गो अहेड विद हिम एंड देन यू नो ट्राई कि वो कैसा करता है। तो आपको जो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और जो पढ़ने का मटेरियल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डालूंगी, प्लीज़ उनको गो थ्रू करिए। ये मेरी रिसर्च है, मैंने यहाँ से पढ़ा है, तो कुछ भी जो है मेडअप मैं नहीं बता रही, टेस्टेड ट्राइड। वीडियो क्लिप्स मैंने इसीलिए शूट करी थी कि मैं आपको दिखाऊंगी भी, एंड नथिंग टू शो ऑफ, नथिंग टू यू नो एग्जिबिट हेयर कि मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छा कर रहा था, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर हेल्प के लिए। क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स में ऐसा लिख देते हैं कि यू नो आई एम शोइंग ऑफ और आई एम डूइंग समथिंग लाइक, बट आई एम प्योरली शेयरिंग माय वर्क विद यू। आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज इट्स हेल्पिंग विराज, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ, मैं शुरू से बोलती आई हूँ कि यूट्यूब इज़ जस्ट अ मीन्स टू हेल्प यू, जस्ट अ पैशन ऑफ माइंड, इट इज़ नथिंग दैट आई एम डूइंग समथिंग फॉर अर्निंग, इट्स प्योरली नॉट दैट। मतलब मैं कभी, गॉड फॉरबिड, मैं कभी भी जो है अपने बेटे का शो ऑफ या अपने बेटे का जो है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखा रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे जो है चैनल रन करना है। इट इज़ प्योरली फॉर ऑटिज्म अवेयरनेस, ऑटिज्म एक्सेप्टेंस एंड एवरी थिंग दैट आई नो आई कैन शेयर विद अदर पेरेंट्स एंड सीक हेल्प फ्रॉम यू इफ़ यू आर वॉचिंग दिस।
तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर मेंशन करिए। अगर कोई भी और भी ऐसी कोई थेरेपी है जो बहुत नोन नहीं है, या एक्वेटिक थेरेपी में और भी क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कल मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। अब हम रेगुलर करेंगे, तो इफ़ आई कैन इम्प्रोवाइज समथिंग इन इट तो मैं ज़रूर करूँगी, ताकि विराज की हेल्प हो। तो आप भी ये ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।